दोस्त से पंगा लेना मतलब सीधा टप्पू से पंगा। अगर टप्पू ने सोनू को फंसा कर भाग कर शादी कर ली तो मेरी होशियार सोनू उस अनकल्चर्ड घर में बहू बनेगी और जेठा मेरा समधी। रक्षाबंधन नजदीक आ रहा है, मेरे भाई को राखी कुरियर कर देना, भूलना नहीं। हाँ रक्षाबंधन। अगर सोनू टप्पू को सबके सामने राखी बांध दे तो टेंशन ही नहीं। हाँ हाँ, अरे हमारे गांव में तो समूह रक्षाबंधन मनाया जाता था, क्योंकि अगर किसी को भाई नहीं है, किसी को बहन नहीं है, तो वो भी साथ में रक्षाबंधन मना सके। सार्वजनिक रक्षाबंधन मनाने से हमारा भाईचारा बढ़ेगा। एक आदमी का फालतू प्रवचन सुन के सार्वजनिक रक्षाबंधन सबको क्यों मनाना है? मैंने कैंसिल करो ये सार्वजनिक। ऐसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं आप? मैं तो कहता हूँ ये गोकुल धाम सोसाइटी में नहीं पूरे विश्व में मनाना चाहिए। तो ये तय रहा कि हम सभी लोग सार्वजनिक रक्षाबंधन मना रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बबीता से राखी नहीं बंधवाऊंगा, नहीं बंधवाऊंगा। अरे मालूम है कल रक्षाबंधन है भाई, अभी बिल्डिंग में है तो आना ही पड़ेगा ना। हाँ देखता हूँ, आऊंगा आऊंगा। अरे धोया, ये सब क्या है? ये रक्षाबंधन की तैयारी कर रही हूँ, कल हम सब लाल लाल पहनेंगे, क्योंकि कल रीटा रिपोर्टर शूटिंग करके हमें टीवी पर दिखाने वाली है, तो सब लाल लाल मैचिंग मैचिंग पहनेंगे तो वट पड़ेगा। ये लाल मोजे, लाल नैपकिन, ये सब तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है? इतना सब लाल पहन के बाहर निकलेंगे और सामने बैल मिल गया ना तो सिंह मार के आकाश में उड़ा देगा तुमको। अरे बैल तो मारते मारेगा, लेकिन लाल कपड़े देख के तू बैल की तरह इतना भड़कता क्यों है? अरे बापूजी, ये दया कह रही है कि कल हम सबको लाल कपड़े पहनने होंगे। मालूम है, सब सुना मैंने। तो फिर पूछा क्यों? अरे बहू, तू मुझे ये बता मेरा लाल कहाँ है? हाँ बापूजी के लिए लाल धोती मंगाई है कि नहीं? मजा करो बापूजी। मैं टप्पू की बात कर रहा हूँ। बापूजी वो नीचे खेलने गया है। अच्छा चल अब मुझे ये बता बहू कि कल की तैयारियाँ कैसी चल रही है? अरे बापूजी तैयारी तो ऐसे की है इसने, मानो कल समूह रक्षाबंधन नहीं हमारे घर में टप्पू की शादी तय की है। जेठा, ये समूह रक्षाबंधन के नाम से तू इतना चिढ़ता क्यों है? और सुन ले मेरी बात, कल ऐसा तंबूरा जैसा मुंह लेके नीचे मत आना। हाँ, और सभी बहने राखी बांध रही हो तब हंसता हुआ मुंह रखना, कैमरे में अच्छे लगोगे। ऐसा चलेगा? रुको बापूजी मैं खोलता हूँ। देवा देवे। और तू है, तू भी जरा सोच समझ के राखड़ी बांधना, सबको राखड़ी मत बांधने लगना, इतने सारे साले नहीं चाहिए मुझे। एक तुम्हारा भाई, वो क्या नाम है उसका? सुंदर भाई। हाँ सिर्फ नाम का ही सुंदर है, वो है वो काफी है। हैं? हमेशा मेरे भाई सुंदर से जलते रहते हैं। आओ बेटा आओ आओ आओ। अरे बहू। हाँ बापूजी। बबीता जी आई है। आया बापूजी। अरे बबीता जी आप आई है, आई आई है, बैठिए बैठिए। अरे नहीं नहीं क्या आइए, ऐसा थोड़ी होता है, ये आपका ही आइए, आपका ही घर है, बैठिए बैठिए। क्या लेंगे आप बोलिए? कुछ नहीं जी, थैंक यू सो मच। अरे आप शर्माते बहुत है बबीता जी, आपका ही घर है। दया, ये बबीता जी बोलने वाली नहीं है, अपनी तो फर्ज है कि नहीं? ले आओ चाय पानी कॉफी ठंडा आइसक्रीम लीची आइसक्रीम जो लेके रहो। बबीता जी अब क्या लेंगे? बस एक साड़ी। है? साड़ी? जी हाँ, मुझे इनकी एक बांधनी वाली साड़ी चाहिए। अरे ये क्या, तीन चार ले लो, इसके पास तो 20-25 है। ये पहनी है वो पसंद है? एक काम दया, तुम एक काम करो, दूसरी साड़ी पहन लो, ये साड़ी और दूसरी 4-5 पैक करके दे दो अच्छी वाली इनको। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे आपकी कोई 3-4 साड़ी नहीं चाहिए, बस एक मुझे अच्छी वाली बांधी साड़ी दे दीजिए। अभी आज के जमाने में एक से क्या होता है बबीता जी। प्लीज जेठा जी, मुझे सिर्फ एक ही चाहिए। और आप उसे गुजराती स्टाइल में कैसे पहनते वो भी प्लीज मुझे सिखाएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब ननद को भाभी मदद नहीं करेगी तो और कौन करेगा जी। हाँ देखिए, अब कल समूह रक्षाबंधन के दिन आप टप्पू के पापा को राखी बांधने वाले हैं। तो उस हिसाब से आप मेरी ननद हुई कि नहीं, और मैं आपकी भाभी। बेटा एक बात कहूँ, तुम्हारा ये समूह रक्षाबंधन के लिए जो उत्साह है ना, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा।
Yeah, I know. I'm so excited about it. I mean, I have never seen such kind of celebrations in my life. मेरा मतलब ये है कि मैं बहुत खुश हूँ. मैं तो समझ गया, दया को कभी कभी प्रॉब्लम होता है इंग्लिश समझने में. आई मीन यू नो जेठा जी, मैं इस होल सेलिब्रेशन को लेके इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ना कि मुझे लगता है कि मैं रक्षाबंधन आज ही मना लूँ. मना लूँ? फोन आया मेरा. साइलेंट पे ना वाइब्रेशन से पता चलता है. हेलो, हाँ नटू काका. लेटेस्ट पीस है. इसमें बात करते करते दूसरा फोन आता है तो उसकी भी ये रिंग सुनाई देती है. दया, क्या खड़ी हो? कब तक बैठी रहेगी? बबीता जी, इनको साड़ी दिखा. आइए आइए बबीता जी, आइए, चलिए आपको बताती. हेलो, कट हो गया दोनों फोन. ये रक्षाबंधन का त्यौहार पता नहीं किसने शुरू किया. नहीं, चलो किया तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें एक स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए कि सिर्फ सगी बहन ही अपने भाई को राखी बांध सकती है और कोई नहीं. ये भीड़े भी ना, उसमें सार्वजनिक रक्षाबंधन. अरे सार्वजनिक की जरूरत क्या है? कुछ मत बोलो, मैं घर पर ही आ रहा हूँ. नहीं नहीं, अभी घर पर मत आना. क्यों? देखिए, आप मिठाई लेकर नहीं आए ना, जाइए जाकर मिठाई लेकर आइए. वो दुकान वाले को फोन करके बोल दिया, वो घर पे दे जाएगा. अब मिठाई वाला कब निकलेगा, कब मिठाई मिलेगी? उससे अच्छा है कि आप ही मिठाई लेकर आइए ना. तुम औरतों को पतियों की कदर ही नहीं है ना. पति बेचारा पूरा दिन दुकान में मगजमारी करके थक करके घर वापस आता है कि आते ही तुम्हारी फरमाइश शुरू, ये करो वो करो फलाना करो ढिकना करो. मैं कहीं नहीं जाने वाला. बबीता जी. नहीं जेठा, ये दो दिन बबीता जी से दूर रहने में ही भलाई है, कहीं राखी बांध दी तो. आता हूँ मिठाई लेके. वैसे है बेचारे भगवान के आदमी, मुझ पर थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, पर आखिर में मेरी बात मान ही लेते हैं. हेलो सुंदर, मेरा भाई, मेरा वीरा केम छे. देख, अगले बरस मैं तुझे खुद अपने हाथों से राखी बांधूंगी, और देख तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें खुद यहाँ पर आना ही होगा. क्या तुम्हारे जीजा जी? अब उनका तो तुम्हें पता है ना, बदन से घमंड ढोकला जैसे और दिमाग से चटनी जैसे होते जा रहे हैं. टप्पू वो नीचे खेल रहा होगा. पता है आज हमारी बिल्डिंग में सार्वजनिक रक्षाबंधन है. भगवान तुम्हें टाटा बिरला अंबानी बनाए, अपना ख्याल रखना. हाँ, घमंड ढोकले को तुम्हारा जय श्री कृष्ण कह दूंगी. तो तुम भाई बहन मुझे खमन ढोकला बुलाते हो? नहीं नहीं, वो नाम तो आज पड़ा, वरना हम तो सॉरी. अरे कहाँ जा रहे हो? सुनो, अरे अरे कहाँ जा रहे हो? दुकान. आज दुकान? हाँ. अरे वाह जेठा, तू तो इन कपड़ों में एकदम चमक रहा है. हा? अच्छा, एकदम पॉलिश किए हुए जूते की तरह. जैसा भी हूँ आपका बेटा हूँ बापूजी. तुम्हें बापूजी, देखिए ना आज के शुभ दिन पर ये दुकान जा रहे हैं. वो कहीं नहीं जाएगा जेठा, दुकान पे फोन करके ना बोल दे.
बापूजी फॉरेन से बड़ी पार्टी आने वाली है, 50 LCD टीवी का ऑर्डर है, जाना पड़ेगा बापूजी। मैंने बोला ना तू कहीं नहीं जाएगा, मतलब कहीं नहीं जाएगा, फोन करके ना बोल। अरे फोन कर। हेलो नटू काका। नहीं मैं बात करती हूँ ना। हेलो नटू काका, फोन तो बंद है। हाँ देखा, सिग्नल ही नहीं है बापूजी, जाना ही पड़ेगा। लो। नहीं नहीं, पर सिग्नल तो है, देखिए। अच्छा ला लगाता हूँ। नहीं नहीं मैं लगाती हूँ ना। हेलो नटू काका, आज जो फॉरेन की पार्टी आने वाली है ना, उनको कहिए कि कल आए, आज ये दुकान पर नहीं आएंगे। क्या ठीक है? क्या कहा नटू काका ने? फॉरेन की पार्टी कल आकर गई और आपकी मीटिंग उनके साथ हो भी गई। ओह, दो दिन से कुछ याद ही नहीं रहता है। अब ये सब रहने दीजिए, ये कवर रखिए, जब बहन आपको राखी बांधेगी तब उनको दे देना। ये कवर है रोशन बहन का, ये कोमल बहन का, ये बबीता। समझ गया, सबका नाम लेने की जरूरत नहीं है। सब समझ गया ना? तो चल नीचे चल, चल चलिए ना, चल चलिए चलिए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर रिपोर्टिंग फ्रॉम कल तक, और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ गोकुल धाम सोसाइटी के सार्वजनिक रक्षाबंधन में। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इंडिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कहीं पर सार्वजनिक रूप से रक्षाबंधन को मनाया जा रहा है। तो आइए हिस्सा बनते हैं इस खुशनुमा पल का और ज्वाइन करते हैं गोकुल धाम सोसाइटी के सभी मेंबर्स को आज की सार्वजनिक रक्षाबंधन में। सो वेलकम टू गोकुल धाम सोसाइटी। उसको एक ग्लास। टप्पू कहीं दिखता नहीं है। बापूजी, आज तो हमारा ही वट पड़ेगा। अरे ये कहाँ चले गए? अरे टप्पू के पापा, अरे चलिए ना आप, चलिए, शर्मा क्यों रहे हैं? कोई डर नहीं रहा है, चलो अबे। चलो ना। आ रहा हूँ। हेलो हेलो, चेक। चलो। अच्छा सुनिए भाइयों बहनों, सुनिए। हाँ प्लीज, नमस्कार। सबसे पहले सुप्रभात और गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग मेरे निवेदन का मान रखते यहाँ पे आए, इसलिए आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। मैं आत्माराम भिड़े आप सभी से कुछ कहना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सार्वजनिक गणेशोत्सव, सार्वजनिक नवरात्रोत्सव, सार्वजनिक दहीहंडी मनाते हैं, लेकिन आज पहली बार गोकुल धाम सोसाइटी सामूहिक रक्षाबंधन मना रही है। आज तक रक्षाबंधन जैसा पवित्र त्यौहार हम लोग अपने ही घर में सीमित होकर मना रहे थे, लेकिन आप सभी ने मेरे निवेदन को मान देकर आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित रहे, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। और मैं ये जाहिर करता हूँ कि अभी सार्वजनिक रक्षाबंधन शुरू किया जाए। तालियां तालियां। अब्दुल भाई, अरे टप्पू कहाँ है तू? खूब फिटनेस सेंटर चले, खूब तरक्की करते रहो, डॉक्टर हाथी का भी खूब क्लिनिक चले। थैंक यू भाई साहब। टप्पू दिखता नहीं है, गया कहाँ है? बहन, आपको कोई परेशान तो नहीं कर रहा है ना? एक आदमी है जो मेरे को बहुत परेशान करता है। कौन? रोशन सोडी। खरीद ले। अरे मैं तेरे को बोल रहा हूँ, LNT के पास उसे खरीद ले और
हमारी औरत के नाम पे और कुछ आपके शहर खरीद लो। हाँ अरे वो सब देख लूँगा, तू चिंता ना कर। मेरे भाई हाथ लाइए। भाई साहब आइए आइए, राखी तो बंधवाइए। देखिए भिड़े भाई, आज से मैं आपकी बहन और टप्पू आपका भांजा हुआ, तो उस हिसाब से अब आप टप्पू की फरियाद आपके जीजा जी को मत करना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन टप्पू है कहाँ? भिड़े जी हाँ? तुझे पड़े कीड़े। बबीता जतिन ये सब कौन है? बबीता का ब्रदर है जतिन, 10 साल के बाद आया है। बिल्कुल टाइम पे आया है। भैया आज 10 साल बाद मिले हो, चलो घर चलते। भाई आ गया, भीड़े भाई आ गया। क्या हुआ, ये बंदर की तरह उछल क्यों रहा है? बापू जी बबीता का भाई असली भाई आ गया। भगवान बचा लिया। अरे वो सब ठीक है, लेकिन टप्पू कहाँ है? अरे टप्पू जाना था जिधर गया उधर। टप्पू यहाँ है। देखा ये आज भी गुंडागर्दी कर रहा है। टप्पू तू कब सुधरेगा? छोड़ दे उसे, छोड़ दे। नहीं ये रॉकी है, सोनू को हमेशा परेशान करता है, आज सही मौके पर मिला है। बोल सोनू को परेशान करेगा? नहीं टप्पू मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं अपनी बहन से मांग। सोनू इधर आ। टप्पू बेटा सुबह से मैं भी तुझे ढूंढ रहा हूँ। तू भी सोनू से राखी बंधवा ले। नहीं क्यों? क्योंकि सोनू टप्पू की फ्रेंड है और टप्पू से राखी नहीं बंधवाएगा। नहीं टप्पू हम फ्रेंड्स नहीं है। देखा हम बेस्ट फ्रेंड्स है। देखा सोनू तेरी बहन है, सोनू इससे राखी बांध ताकि ये फिर से तुझे परेशान ना करे। टप्पू 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 अरे तू तो राखी बंधवा ले। जिसके लिए सार्वजनिक रक्षाबंधन करवाया उसने राखी नहीं बांधी। क्या? नहीं कुछ नहीं। अरे आप क्यों जबरदस्ती सबको राखी बंधवाना चाहते हो? रिश्ते ऐसे जबरदस्ती नहीं बनते। क्या मतलब? क्या मालूम। मेरे साथ आप भी महसूस कर रहे थे ना आत्मीयता और उल्लास के रंग जो बिखरे हुए थे गोकुलधाम सोसाइटी के आंगन में इस रक्षाबंधन के दिन। हमारी संस्कृति भी कितनी कमाल की है, हम दुश्मनों को गले लगाते हैं, दुश्मनी भूल जाते हैं, मुस्कुराते हैं त्योहारों और पर्वों पर। सारी दुनिया ये करने लगे तो फसाद खत्म हो जाएंगे, झगड़े का नामो निशान नहीं रहेगा, दंगे कभी होंगे नहीं। ये है हमारी संस्कृति की खास बात। और ऐसे ही कई और रंग हर रोज बिखरेंगे इस गोकुल धाम सोसाइटी में, देखते रहिएगा। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।